जैसा कि कुछ विद्यार्थी ये चिंता कर रहे थे कि उनका रिजल्ट ग्रेजुएशन का अभी आना है, तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे कि नहीं, इस रिगार्डिंग मैंने पहला वीडियो एक अपलोड किया था कि इन्फॉर्मेशन लेके कि डेट एक्सटेंडेड कर दी जाएंगी। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं। अब वो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग है, जहाँ 1-2 हफ्तों में आ जाएगा, तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग में सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो सेकंड काउंसलिंग में जाते तो उनके लिए ये इनजस्टिस होना था, क्योंकि राइट सब्जेक्ट्स एंड राइट कॉलेज मिलना फर्स्ट काउंसलिंग में ज़्यादा संभव होता है। तो ये चेंजेस क्या आए हैं, अब जो अपडेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स बाय कैंडिडेट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड देयर मार्क्स अर्लियर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 9 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक काफ़ी डेट दे दी गई है। ये उन्होंने फिल करने हैं जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन के मार्क्स अपने फिल नहीं किए, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल नहीं किए, क्योंकि क्वालिफाइंग डिग्री जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन होती है, लेकिन जहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर, तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल होते हैं। तो ये 8 सितंबर तक आपने फिल करनी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट फॉर मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेजेस। दो चॉइसेस आपने फिल करनी है, एक तो मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, माइनर नहीं है वो, कॉलेज ने देना है, पिछले वीडियो में बार बार बताया गया है आपको, और साथ में आपने कॉलेज प्रेफर करना है। ये कैसे करना है पिछले वीडियो में बार बार सुजेस्ट गाइड किया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये 9 अगस्त से 8 सितंबर तक, मतलब ये साइड बाय साइड चलेगा, आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स भी फिल कर सकते हो जब भी आपका रिजल्ट आता है, तो साथ में ही आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो जाएगी 9 सितंबर को, रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज ऑनलाइन थ्रू ईमेल ओनली। ये पहले डिटेल में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि कैसे आपने डिस्क्रिपेंसीज, ये है डिस्क्रिपेंसीज मीन के मिसमैचिंग है, आप एलिजिबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल, एक की एग्जांपल यहाँ दूंगा, बाकी एग्जांपल पिछले वीडियो में दी गई है। एक सब्जेक्ट जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आपने वो मेजर सब्जेक्ट फिल कर दिया था, तो ये डिस्क्रिपेंसी होगी, क्योंकि जब कॉलेज में आप रिपोर्ट करोगे तो वो आपको एलिजिबल नहीं गिनेंगे। तो अगर आपने 3 साल एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट वो पढ़ा हुआ है, तो आप मेजर सब्जेक्ट वो फिल कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी, अगर आपने इंफॉर्मेशन क्वालिफाइंग मार्क्स जो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट लगा दिया था, लेकिन आप रूरल एरिया से, आपने 10th एंड और नहीं है, 10th एंड 10+2 नहीं की हुई, जहां आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, तो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज में आपको वो आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको PBBEd एडमिशंस 2022 @gndu.ac.in पर ईमेल करके ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मेरे से ये बाय मिस्टेक फिल हो गया था और मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, तो आपका नया इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो चेंज कर देंगे। तो ये आप 10 से 11 सितंबर के बीच में डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई करके बाय मेल यूनिवर्सिटी को सेंड करोगे और वो इसको ठीक कर देंगे। डिस्प्ले हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 12 सितंबर को 5 बजे तक। नेक्स्ट, ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट्स प्योरली प्रोविजनल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, ये 14 सितंबर को हो जाएगी। यहाँ प्योरली प्रोविजनल क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जब वेरीफाई की जाएगी, तो हो सकता है कि उसमें फिर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाएं और आप वहाँ फीस सबमिट ना करवा सको। मीन जब तक आपकी फीस सबमिट नहीं होती, डिपॉजिट नहीं होती, तब तक आपकी सीट योश्योर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर प्योरली प्रोविजन लिखा हुआ है।
रिपोर्टिंग एट एलोकेटेड कॉलेज, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के ज़रिए आपको अलॉट करेगी कॉलेज, आपने उसको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज को 15 सितंबर से 17 सितंबर तक, मंडे तक। इन दिनों आपके पास लगभग ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉलेज आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते दे देता है, उसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह, ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके पास चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे कॉलेज के द्वारा। एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कास्ट, रिजर्वेशन, आपके मार्क्स वेरीफाई जो भी करने हैं, जो जिस कॉलेज को आपको अलॉट किया जाएगा वो कॉलेज ये करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आप फीस की इंक्वायरी कॉलेज से कर सकते हो। जब आप दोनों सेटिस्फाई हो जाते हो तो फीस डिपॉजिट करवा देते हो, तो आपकी एडमिशन हो गई मानी जा सकती है। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो उसके बाद जो सीट्स खाली रहती हैं, तो उसके लिए डेट ये दी गई है, लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग और फिलिंग अनफिल्ड सीट बाय द कॉलेजेस ऑन वेब पोर्टल थ्रू PI लॉगिन, एज वेल एज अ सेंड ए सॉफ्ट कॉपी ड्यूली साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इन PDF फॉर्मेट टू द कोऑर्डिनेटर थ्रू ईमेल ID। तो जो अनफिल्ड सीट्स रह गई हैं होंगी, तो वो फिर इंफॉर्मेशन कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी को देनी है, तो वो अनफिल्ड सीट के लिए सेकंड काउंसलिंग होगी, तो उसका बाद में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।